दोस्तों जोहार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुखसारी गांव चांडिल अनुमंडल में अभी हम लोग आए हैं। करम महोत्सव जो यहां मनाया जा रहा है और करम महोत्सव यहां वर्षों से मनाते हैं आए हैं। यहां हमारे बीच में जेबीकेएसएस की सक्रिय सदस्य और एक झारखंड की एक शेरनी महतो जी यहां आई है करम महोत्सव का हर्षोल्लास में मनाने के लिए। तो बेबी महतो जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इस करम महोत्सव के बारे में कुछ आप जो जानते हैं बताइए। आपको जोहार और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा, करम जोहार। तो ये करम पर्व ये प्राकृतिक पूजा है और इसमें जितनी भी बेटियां हैं या फिर शादीशुदा लड़की जितने कोई भी है सब अपने भाई के लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। तो बेबी महतो जी, जो आप युवा हैं और यहाँ करम महोत्सव के दौरान जो आप यहाँ आई हैं, तो अपने जो युवा साथी हैं जो अपनी संस्कृति अपने कल्चर से बिछड़ते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी का जनरेशन में क्या हो रहा है, सब कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना जो संस्कृति है, अपना कल्चर है, इसको सब भूलते जा रहे हैं। तो यही कहना है कि जितना भी पढ़ाई लिखाई करो, अपना जो पूर्वज का जो धरोहर है, अपना संस्कृति, अपना कार्यक्रम, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, इसे अपना के रखना चाहिए। अगर ये चीज हम लोग लुप्त होने देंगे, ये भूल जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व यहाँ से खत्म हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ झारखंड के तमाम समाज के, चाहे वो संथालो हो उरांव हो, सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हैं। ये जो एक मेल भाव है, इसके लिए आप क्या कहेंगे करम महोत्सव के दौरान? देखिए, ये हमारा झारखंड में जितना भी पर्व त्यौहार है, करम हुआ, सोहराई हुआ, बांधना पर्व हुआ, सब पर्व त्यौहार एक दूसरे को जुड़ने का है। इसमें नाच भी आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचते हैं, तो इसमें एक दूसरे को जुड़ने का है, किसी को तोड़ने का नहीं है, इसीलिए सब समुदाय के लोग यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए बेबी महतो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करम महोत्सव के दौरान आप यहाँ आए और यहाँ के लोगों के साथ हर्षोल्लास के साथ जो नृत्य प्रदर्शन किया, आप यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत बहुत आपका शुभकामना।